पिशाचनी पीड़ित, पिशाचनी का साया। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, अगर आप एक बार पिशाचनी देख मात्र ले तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो सकती है। आज के ब्लडी टैक्स की वीडियो में आप लोगों को मैं इतनी ज्यादा खौफनाक सच्ची घटना बताने वाली हूँ जो पिशाचनी से जुड़ी हुई है। ये जो घटना घटी थी आज से 40 साल पहले घटी थी। किसके साथ घटी थी, कब घटी थी, कहाँ घटी थी, आप लोगों को सब कुछ मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो या आप लोग शौक रखते हो कि एक बार दिल्ली जरूर जाना है या आपका ड्रीम है कि आपको दिल्ली में रहना है, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिल्ली के एक इतने ज्यादा खौफनाक से रोड के बारे में बताने वाली हूँ जिस रोड पे है पिशाचनी का साया। अगर वो एक बार किसी को देख ले तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, समझो। ये जो स्टोरी मुझे लिख के भेजा है, रुद्र नाम के लड़के ने लिख के भेजा है। उसके नाना जी के साथ ये घटना घटी थी आज से 40 साल पहले। आज से 40 साल पहले दिल्ली इतना डेवलप हुआ नहीं करता था। वो टाइम पे दिल्ली भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल जगह जैसे थे, हर जगह वैसे टाइप का ही हुआ करता था। वहां पे बहुत सारे जंगल हुआ करते थे और बहुत सारे जो रोड थे वो नॉर्मल हुआ करते थे, आज की तरह एकदम अच्छे वाले रोड नहीं हुआ करते थे। मतलब जो माहौल था दिल्ली का वो जैसे आजकल छोटे मोटे शहरों का होता है वैसा वाला माहौल था। और वो टाइम पे रुद्र के नाना जी दिल्ली में एक जगह जॉब किया करते थे और उनका घर भी दिल्ली में ही हुआ करता था। लेकिन जहाँ पे वो जॉब किया करते थे उनके घर से वो जगह था कम से कम 8 किलोमीटर दूर। वो रोज साइकिल से 8 किलोमीटर दूर की ट्रेवलिंग किया करते थे अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, क्योंकि वो टाइम पे सबके पास 40 साल पहले इतनी सारी गाड़ियां या बाइक सबके पास नहीं हुआ करती थी जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते थे। बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे उनके पास हुआ करती थी, बट ये साइकिल से ही ट्रेवल किया करते थे। तो क्या होता है, इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी कट रही थी रुद्र के नाना जी की। अपने घर आते थे, रोज अपने काम पे जाते थे, अच्छी खासी लाइफ इनकी मस्त निकली जा रही थी। लेकिन एक रात कुछ इनके साथ इतना ज्यादा बुरा होने वाला था जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं किए थे। क्या होता है, नाना जी आज की रात जब घर वापस आने वाले थे, आज की रात उनको थोड़ा अपने ऑफिस में काम करते करते लेट हो जाता है, रात के 11:30 बज जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि आज से 40 साल पहले इतनी रोशनी, बिजली उजली सब कुछ नहीं हुआ करती थी, तो रात में ऑब्वियस सी बात है अंधेरा हो जाया करता था। लेकिन लोग वैसे ही कैसे भी मैनेज करते थे बाहर आना जाना सब कुछ करना। तो रुद्र के नाना जी सोचते हैं कि अभी रात के तो 11:30 बज गया, अभी क्या करूं मैं, घर तो जाना ही है, यहाँ पर भी नहीं रुक सकता क्योंकि घर वालों को बताया नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और गांव में ढूंढने लगेंगे या जो शहर में जहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में वहां पे ढूंढने लगेंगे, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और वो टाइम पे फोन वगैरह नहीं हुआ करता था, वो टाइम पे लोग चिट्ठी विट्ठी लिखते थे। तो वो सोचते हैं कि क्या हो गया, रात के 11:30 मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, आराम से अपना साइकिल लेते हैं और वहां से अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये अपने घर पहुंचने ही वाले थे, 4 किलोमीटर दूर मतलब था उनका घर जहां पे पहुंचने वाले थे, तभी उनकी साइकिल अचानक से भारी होने लगती है। उनको समझ में नहीं आता है कि साइकिल क्यों भारी हो रही है, कहीं पंचर तो नहीं हो गया है। वो अपने साइकिल से उतरते हैं और पीछे वाला टायर आगे वाला टायर दोनों देखते हैं, लेकिन साइकिल पंचर नहीं हुआ था। तो मतलब उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा था, मतलब चलाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी मुझे। सोचते कोई बात नहीं, ऐसे ही थक गया हूँ शायद, इसलिए ताकत लगानी पड़ रही होगी चलाने में, कोई बात नहीं चलता हूँ मैं। वापस साइकिल में बैठते हैं और 800 मीटर दूर गए ही थे, वापस से उनकी साइकिल भारी लगने लगती है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है, मेरे को साइकिल चलाने इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जो साइकिल वो पॉडल मार रहे थे वो इतना ज्यादा जाम हो गया था कि मतलब साइकिल एक कदम भी खींच के ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वापस साइकिल उतरते हैं, वापस देखते हैं पंचर तो नहीं है, लेकिन फिर से कुछ हाथ नहीं आता है क्योंकि साइकिल पंचर नहीं था। वापस से बैठते साइकिल बोलते हैं यार क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा था।
तो वो वापस साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। अभी 2-3 कदम आगे बढ़े ही थे साइकिल चला के, उनके कान में किसी की खुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कोई ऐसे बात कर रहा है, ऐसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, ऐसी आवाज आती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसके खुसफुसाने की आवाज थी, और इतने जोर जोर से हवा भी नहीं चल रहा था कि शायद हवा की आवाज हो। वो क्लियरली सुन पा रहे थे कि किसी औरत के खुसफुसाने की आवाज मेरे कान में आ रही है। वो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आवाज थी तो थी कैसी। लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके साइकिल कैसे कैसे करके खींच खींच के लेके जा रहे थे। अभी वो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि लिटरली उनको साइकिल खींचना पड़ रहा था, क्योंकि साइकिल वो बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे। लेकिन कैसे कैसे करके अपने घर के 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं वो। जब अपने घर से उनका जो डिस्टेंस था सिर्फ 1 किलोमीटर का ही था, तभी उनको ऐसा एहसास होता है कि कोई औरत मेरे साइकिल का जो पीछे वाला सीट है उसमें बैठी हुई है, क्योंकि औरत की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है और पायल की आवाज आती है, और जैसे कोई औरत धीरे धीरे आवाज में कोई गाना गा रही है। अब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर साइकिल चला रहा हूं मैं, और चलते साइकिल में इतने रात में कौन सी औरत मेरे साइकिल के पीछे वाले सीट पे बैठी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पे औरत लोग इतने रात में बाहर नहीं निकलते थे अकेले, डरते थे लोग वो टाइम पे भूत प्रेत को लेके, कोई भी चीजों को लेके उनको थोड़ा डर लगता था, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती थी। वो सोचते हैं ये तो बहुत गड़बड़ है, वो फटाक से उतरते हैं साइकिल पे, देखते हैं पीछे वाले सीट पे कोई भी औरत नहीं थी। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे ये किसका एहसास हो रहा है। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उनको एक चीज तो क्लियर हो चुका था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो गया है, कोई तो साया है, कोई तो नेगेटिविटी है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है। लेकिन वो भगवान का नाम लेते हैं और सब कुछ भुला के वो कैसे भी अपना साइकिल वैसे ही खींच खींच के अपने घर तक ले जाते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं, घर वाले देखते हैं, नानी देखती है, सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं कि आपकी हालत ऐसी कैसी हो गई है। लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, वो चुपचाप जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं होता है। जब वो रात में सो रहे होते हैं, अचानक से उनको सपना आता है कि कोई औरत बहुत ही सुंदर सी, बहुत सुंदर सी औरत मेरे साइकिल के पीछे बैठी है, और वो मेरे को ध्यान से देख रही है। और जब मैं उसको देखता हूँ, वो अचानक से दौड़ के आती है और मेरे गले पे यहाँ पे काट लेती है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या था, उनका जो सपना था अचानक से टूटता है। जब सपने से उठते हैं, पूरा पसीना पसीना हो चुके थे, और देखते हैं कि ये कैसा सपना था, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सेम डे रात में उनके साथ कुछ घटना घटी थी एक रोड पे। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, वो गले को ऐसा छू के देखते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ दर्द महसूस होता है। लेकिन सारी चीजें वो भुलाते हैं और रात में सो जाते हैं। सोचते हैं मैं जितना ज्यादा सोचूंगा इस सब चीजों के बारे में, मुझे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। ये सब कुछ सोचने के बाद, सपने आने के बाद, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं वो जब मिरर में देखते हैं तो उनके गले पे यहाँ पे किसी के काटने का निशान दिखाई देता है। अब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि एक सपना हकीकत में कैसे बदल सकता है। लेकिन जो उनके साथ ये हुआ था, ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये तो सिर्फ शुरुआत था। ये सब कुछ होने के बाद वो ऑफिस में जाते हैं, वापस काम पे जाते हैं। उसके बाद उनका पूरा दिन एकदम भारी भारी सा, सिर दुखना, पूरी बॉडी में भारीपन, उनको अजीब सा महसूस हो रहा था। वापस से कैसे भी वो ऑफिस से रात में घर आते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि 1-2 दिन में ऑफिस नहीं जाऊंगा, शायद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब वो रात में वापस सोने के लिए जाते हैं, उनको दिखाई देती है वापस से सपने में वही औरत, जो उनके बाल को ऐसे टच करती है और उनके बाल में से इतना बाल ऐसे उखाड़ लेती है। जब उनकी आंख खुलती है सपने के बाद, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वापस से मुझे वही औरत क्यों दिखाई दे रही है और उसने मेरा बाल क्यों उखाड़ी।
जब वो उठते हैं उनको महसूस होता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जब यहाँ पे ऐसा टच करके देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सच में किसी ने मेरे बाल यहाँ से उखाड़े हैं। वापस सुबह उठते हैं, देखते हैं कि सच में मेरे बाल यहाँ से इतने गायब हैं। अब ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब मुझे छुपाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे घर वालों को सारी चीजें बता देनी चाहिए, क्योंकि दो दिन से मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। वो डिसाइड करते हैं अपने घर वालों को, अपने पापा को, नाना जी जो उनके पापा जी थे उनको बताते हैं। उनके पापा जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बताते हैं उनके नाना के पापा जी कि जिस रोड से तुम आए थे रात में, मैं तुम लोगों का भी नहीं बताया था कि तुम लोग डर जाओगे, वो रोड पिशाचनी ग्रसित है। मतलब कोई भी उस रोड पे अगर जाता है रात के टाइम में, वापस आएगा या रात के टाइम में उस रोड से ट्रेवल करेगा, पिशाचनी उसको अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर उसका खून धीरे धीरे पीते पीते उसको खत्म कर देती है। नाना जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि मेरे साथ हो ना हो पिशाचनी ने कुछ ना कुछ गलत करना स्टार्ट कर दिया है, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही। जब नाना जी के पापा जी ये सब कुछ सुनते हैं, पास में ही एक बाबा जी थे जिनको अपने घर पे बुलाते हैं और बाबा जी देखते से ही बोल देते हैं इसके ऊपर पिशाचनी का साया है और जल्द से जल्द नहीं उतारा गया तो इसको ये एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देगी। एक हफ्ते के अंदर धीरे धीरे करते करते, अभी उसने काटी है, बाल उखाड़ी है, धीरे धीरे करते करते इसकी बॉडी का एक खून का कतरा कतरा पी जाएगी और फिर ये खत्म हो जाएगा। बाबा जी आते हैं, कुछ चावल लेते हैं, उनके सिर से ऐसे घुमाते हैं और उसके बाद 5-6 बार घुमाते हैं और कुछ मंत्र फूंकते हैं और दूर ले जाके जो 4 रोड होता है ना, 4 रोड इधर से इधर से गया हुआ रहता है, उस रोड पर ले जाके फेंक के आते हैं उस राइस को और बोलते हैं, कुछ पीने के लिए देते हैं पानी वाला, पवित्र जल देते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद उस पिशाचनी का साया तुम्हारे पर नहीं आएगा, लेकिन तुम रात के टाइम में उस रोड से कभी भी ट्रेवल मत करना रात के अंधेरा होने के बाद, क्योंकि वो रोड सचमुच में बहुत ही ज्यादा भूतिया है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ इनके लाइफ में नॉर्मल हो जाता है, रुद्र के नाना जी के लाइफ में, और अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं और उसके बाद से कभी भी वो दिल्ली के उस रोड पे रात के टाइम में ट्रेवल नहीं किए। क्या आप लोगों को पता है वो दिल्ली का कौन सा रोड है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा प्यार दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस एक बहुत ज्यादा भूतिया से अच्छे से वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।